इस वजह से खेतों में देखभाल ना हो पाई अच्छी तरह से सब्जियों की। अरे वो सब छोड़िए, बताइए पनीर कहाँ से लेके आया तू? वो मैं जयप्रकाश हलवाई की दुकान से लाया था। झूठ बोला तो? अरे सेठ जी झूठ बोलो तो तुम टाइम बोल जाओ। बकवास, अभी फोन करते, ठहर जा जयप्रकाश। अरे मैं सच के वाले स्पीकर पे भी डाल दिए। हेलो, नमस्कार जयप्रकाश हलवाई जी। नमस्कार। अरे तिवारी जी, अरे बताइए कैसे हैं भाई? हाँ, अरे कहा बताएं, बस बताते हुए भी कछु अजीब सा लग रहा है। अरे ऐसा क्या हो गया भाई साहब, क्या बात है बताइए ना। पता नहीं है, हमारे कमबख्त नौकर टिल्लू ने कौन सा पनीर आपके यहाँ से ला के खिला दिया कि बस पेट में जो है दे जुलाव दे उल्टी, कछु समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं भाई साहब नहीं, आपका पार्टनर हमारे यहाँ से पनीर लेकर के नहीं गया है, बल्कि हमारे सामने जो दुकान है जो घटिया और बासी पनीर बेचता है वो आपका पार्टनर वहीं से अक्सर लेकर के जाता है। ये बार बार आप पार्टनर पार्टनर क्या कह रहे हैं, ये हमारा पार्टनर कब से हो गया? अरे कमाल है भाई साहब, उस दिन टुल्लू हमको यही तो कह रहा था कि हम ऐसे घटिया आदमी के नौकर थोड़े ही हो सकते हैं, हम तो उनके पार्टनर हैं, ऐसे बोल रहा था। अच्छा चलो ठीक है। हाय दिया, अच्छा भैया आप हमको बताए ना है कि आप लड्डू के भैया के पार्टनर बन गए हैं, बहुत बहुत बधाई, एक तो दिन मालिक भी बन जाइए। देखो बन जाए, पूरे कानपुर में दावत दे दो इस बात पे। अरे तू जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है, तू साले पनीर खिला के मार मत जाता। ए, नहीं 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 सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रही था कि वो देखो टिलुआ, तुम्हारा ये अंदाज हमको भी अच्छा नहीं लगा। हाँ अम्मा जी आप गलत समझ रही हैं, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बात आप तू अभी के अभी हमारे घर और नौकरी दोनों से निकल रहा। अरे सेठ जी गरीब इंसान के साथ ऐसा जुल्म ना करो, भूखा मर जाऊंगा मैं। तू साले भूखा मर जाएगा, तू तो पार्टनर है, तू तो धन्ना सेठ है। नाना सेठ जी, भाभी जी आप ही बचाओ। जे 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 क्या कह रहे हैं सेठ जी? सॉरी टिल्लू भैया, ये बार आप भी हमको हर्ट कर दिए। भाभी जी वो हर्ट हो गए, सही पकड़े हैं। निकल यहाँ, निकल। सेठ जी मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही था सेठ जी, अरे सब्जी तो पकड़ो, की कमी हो रही है तो लोग सार्वजनिक स्थलों पे ही भिड़ रहे हैं क्या? चाचा जी प्लीज स्टॉप इट, आप बातों को घुमाकर अपने भतीजे को बचाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब, चाचा जी थोड़ी देर चुप रहिए ना। मैं तो चुप हो रहा हूँ ना यार। अरे विभू, तुम में शर्मो हया नाम की चीज है या नहीं? मैंने कितने प्यार से रिक्वेस्ट करके बोला था कि प्लीज मेरी माँ की साड़ी का ध्यान रखना बहुत ही कीमती है, और तुमने ये भी मैंने इसको ही समझाया था, मैंने बोला था इसको कि अड्डू की मॉमी की साड़ी है, बहुत प्यार से इस्त्री करवा के लेके आया, लेकिन सारी गलती इसकी है, सारी गलती इसकी। तुमने इस लड़के को मेरी साड़ी दी क्यों? ये एक नंबर का लापरवाह, अनपढ़ गवार, इसको खुद के कपड़े संभालने का तो होश रहता नहीं, मेरी साड़ी क्या संभालेगा ये? लिसन बेबी मेरी बात सुनो। मर गई बेबी। पछता रही हूं मैं तुमसे शादी करके, अमेरिका से कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी कि तुमसे शादी की, जिसका ऐसे ऐसे घटिया गवार आवारा लड़कों के साथ उठना बैठना है। क्या अनीता भाभी ने मुझको इतनी जली कटी सुनाई, इतनी जली कटी सुनाई कि यार मुझको लगता है मैं यार धरती पे, खासकर जा कानपुर की धरती पे सबसे बड़ो नाकारो बेकार आदमी हूँ यार मैं। हम किसी से क्या शिकवा करें भैया, हमारा तो खुद का सिक्का ही खोटा निकला यार। टीका मरघान कसम खा के कह रही हूँ भैया, इतनी बेदर्दी से लात मार के निकाला गया हूँ कि इतनी बेदर्दी से कोई गधे को भी लात ना मारता होगा। क्या मासूम को क्या कसूर है? तो
बस जयप्रकाश हलवाई की दुकान से पनीर न लाया था, इतनी सी बात में वो भुतनी का पिता गया और मुझे सजा दे दी, नौकरी से निकाल दिया मेरे को। किलवा इतनी सी बात। हमको हमारी अम्मा जी कितना लाड़ करती थी, हम पर जान देती थी वो, लेकिन आज चिल्लू भैया के चक्कर में हमको कितना डांट दी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अम्मा जी का डांट नहीं कर सकते। का पगली हा? अरे तुम्हारा गुस्सा ना हो गया, किसी तानाशाह की सरकार होगी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, है? चलो पगली आओ, चलो नीचे चलो, तो नहीं खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। हाय, हमको ना ही खाना है, कछु भी ना ही खाना है, हमको बहुत हॉट हो गए। हॉट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, हमको कछु ना ही खाना है। हेलो पगली, देखो अम्मा परेशान हो रही है। और हम जो परेशान हो रहे हो काका? समझो पगली, वो दुखी है बहुत। और हम ना ही दिख रहे आपको सैड? उस सैड नहीं, सैड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ए बहुरिया, माफ नहीं करोगी अपनी अम्मा को? अब माफ कर दो। देखो हम बहुत दुखी हैं, हमसे न खाया जा रहा है न सोया जा रहा है, अगर तुम हमको माफ नहीं करोगी ना तो फिर हम मर जाएंगे। अम्मा जी ऐसे ना ही बोलिए, आपको हमरा भी उम्र लग जाए। तुम तो हम भी जान हो, हैं? माफ कर दे बिटिया, अपनी जान को हम डांटे। अम्मा जी चलो खाना खा ले बिटिया, अम्मा के हाथ से खाए के मेरी बिटिया है। इलो असाबास। देखो अम्मा, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ये जो लौंडा आ रहा है ना चंदू नाम का, ये बहुत ही मेहनती और ईमानदार है, वो टिल्लू की तरह बेईमान नहीं है, समझे? नेक दिल शरीफ बच्चा है। अच्छा, तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसका कुंडली देख के बैठा है, है? हाँ सच्ची अम्मा जी ना बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। का है कि हम जब तक उससे मिलना ही लेते, बात ना ही करते, कैसे पता चलेगा कि वो टिल्लू भैया के लिए एकदम सही अटैचमेंट है? अटैचमेंट? रिप्लेसमेंट कहना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़ा है। देखो पगली, जहाँ तक हमारा विश्वास है, हमें लगता है कि एक बार जब ये चंदू काम करने लगेगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जो लाडला टिल्लू है ये कितना बड़ा कमीना है। एक्सक्यूज मी सर, श्री मनमोहन तिवारी जी का घर यही है? आओ 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 बेटा, अंदर आओ आओ आओ। आप ही चंदू हो बेटे? जी सर, चंडीश्वर माता जी। खुश रहो। चंडीश्वर भाभी जी। खुश रहिए। चंडीश्वर सर जी। बैठो। अरे ऊपर बैठो। नहीं अम्मा जी, नौकरों की जगह तो नीचे होती है ना। क्या बात है। वाह बेटे, तूने तो एक ही वाक्य में दिल चीर के रख दिया। आपका नाम क्या है? जी चंदू मैडम। नहीं नहीं, हमको मैडम ना ही बोलिए, हमको भाभी जी बोलिए। जी मैडम सॉरी, भाभी जी। सही पकड़े हैं। अच्छा का कर लेते हो? भोजन बनाने से लेकर बर्तन धोने तक। अरे वाह, लेकिन क्या है बेटे, हमें ना हमारी शॉप के लिए एक लड़के की जरूरत है जो पूरा काम संभाल ले। क्या है कि लाखों का कारोबार होता है ना, तो उसका हिसाब किताब वगैरह सब तुम्हें रखना है। जी सर। और उसके बाद फिर घर आकर भी पूरा काम करना है। सर जी हम पूरा काम करेंगे। अरे वाह, हम सबके लिए चाय लाते हैं।
अच्छा एक बात बताओ बेटी, कुछ मालिश वालिश कर लेते हो? जी सर। अरे मालिश से याद आया, हमारी कमर में गैस का गोला अटक गया है, बहुत दर्द हो रहा है सवेरे से। सुनो बेटी, तुम अम्मा का गैस का गोला निकाल मतलब मालिश कर सकते हो? जी सर। तो ठीक है, तनिक पीठ दर्द ठीक करो इनका। जी सर, एक सेकंड। ये मुझे कहाँ पे हो रहा है? तनिक नीचे नीचे। यहाँ पे? और नीचे। यहाँ पे? और यहाँ यहाँ पे ना। बस एक सेकंड, सब सही हो जाएगा। कौन सा गोला फोड़ा बे अम्मा का? ये तो कमाल कर दिया, देखो हमरा गैस का गोला फोड़ दिया। हाँ, देखो देखो। अरे वाह 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 वाह, अरे शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। रबड़ी जलेबी? हाँ वो भी लाए। अरे वाह, तू लड़का नहीं है। हाँ। तो पर क्या है ये? अरे इतना जादूगर है, जादूगर बहुत बड़ा वाला जादूगर। हाँ। सच्ची सच्ची, आपको पता है चंदू भैया, अम्मा जी आज तक कभी भी किसी को भी इतना पिपरमेंट नहीं दी। अभी जो कॉम्प्लीमेंट होता है। सही पकड़ा। एक शेरर्स किया है, समाप्त फरमाइएगा। यकीन कीजिए मगर इतना कि थोड़ी हो जगह बाकी, कहीं ऐसा ना हो कि इतना यकीन कुछ छोड़े ना बाकी। ओके आंटी जी, go to hell and all the very worst for you. I must give you a compliment, Auntie ji. You have a face only mother can love. Hey, बस करो, कितना तारीफ करोगे? कम आ रही है। बस कितना तारीफ करता है। अच्छी, आप कितना ही बुरा भला बोल ले उनको, आपका बहुत इज्जत करते हैं। वो तो है। शांत शांत हूँ, बहस नहीं, क्लास में हूँ। सॉरी। अब मैं तुमको बताती हूँ कि वहाँ खाते पीते कैसे हैं, यानी कि टेबल मैनर्स। जी भाभी जी, बताइए। हाँ तो सबसे पहले ये नैपकिन लेते हैं। ऐसे भाभी जी, मैं बता रही हूँ ना, रखो उसको नीचे नीचे रखो। भाभी जी घर पर है। एक मिनट तिवारी जी, ये नैपकिन को सबसे पहले अपने लैप में ऐसे रखते हैं। भाभी जी, लैपटॉप वैपटॉप तो मतलब है ना उसके? लैप मीन्स गोद, अपने पैर पे ऐसे बिछाते हैं। ताकि खाना गिरे ना। ओके, तो इंग्लिश कल्चर में हाथ से नहीं खाते हैं, नाइफ और फोक से खाते हैं। भाई ये एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट ना। स्टॉप, फोकस। तो आप समोसे को ऐसे काटते हैं। काट दिखाऊं भाभी? हाँ दिखाओ। ओ अबे ओ, समोसा काट रहा है, मुर्गी गर्दन नहीं झील रहा है जो ऐसे कर रहा है। तिवारी जी मैं सिखा रही हूँ ना, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में? मैं देख रही हूँ, ग्रूमिंग क्लासेस मेरी है ये। भाभी जी वो समोसे को देखिए। मैं देख रही हूँ कि वो लोग समोसे की बखिया उधेड़ रहे हैं, बट मैं सिखाऊंगी ना। Who is this guy? भाभी जी हम कह रहे थे कि हम दरअसल सुनिए, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप प्लीज अपने अंडर गार्मेंट्स में ध्यान दीजिए। मैं बिजी हूँ, दाल मंडी की तरफ जा रहे थे तो सोच रहे। आप दाल मंडी जा रहे हैं, इन लोगों को अमेरिका जाना है। और उसके पहले मुझे इन लोगों को ट्रेन करना है, सो प्लीज तिवारी जी लीव। अमेरिका जा रहे साले। आप अभी तक गए नहीं? जी टिल्लू बिहेव। हाँ तो गोइंग फर्दर, वहां पे खाना मुंह बंद करके खाते हैं, ऐसे आवाजी कर करके नहीं खाते हैं, गवारों की तरह। जी भाभी। हाँ जी। शो मी। क्या बात कर रही हो भूरी? सच्ची तुम्हारे पति अरब देश जा रहे हैं? क्या बात है, हम पता है सुने हैं कि वहाँ ना बहुत ही बड़े बड़े तेल के कुएं हैं। हाँ देखो कहा है ना, तुम्हारे पति वहाँ दुकान डाल लेंगे ना, बहुत बहुत चलेगा। हाँ का? पिज्जा आने का देरी है। दिया? ओ ओ, अरब देश से पिज्जा का लेना देना।
हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा भीजा बोल रहे हो? हाँ। अंगूरे अब बाद में कॉल करते हैं। अंगूरी वो हमने अपने वो अंडरगार्मेंट्स का कुछ कच्चा माल मंगवाया था, वो 10 थैलियों में के भर के रखा था, तो पता कहाँ होगा? वो तो टिल्लू भैया को पता है ना। अरे हाँ यार, हमने वो रफ मटेरियल टिल्लू को ही तो दिया। टिल्लू कहाँ है? कहाँ है टिल्लू? हमको क्या पता, आप ही तो लात मार के भगा दिए उनको। अरे यार ये पुराने नौकर भी ना सारा झमेला फैला के चले जाते हैं, वो समेटना सलाह हमें पड़ता है। अब इतना चिड़चिड़ काहे कर रहे हैं, उनको कॉल करके पूछ लीजिए। सुनो जरा, तो जो भी है डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम गोइंग टू अमेरिका। हमारा हाथ! हाय हाय, अरे तेरा क्या कर दिया रे? दिया तो इतना जोर से मारे का है। क्या होता है जब हमें गुस्सा आता है ना, कुछ नजर नहीं आता, फिर चाहे हमारा हाथ हो या सामने वाले का सर। दर्द हो रहा है का? अरे बहुत जोर के दर्द हो रहा है यार, क्या कर दिए हम। अब चंदू जी मालिक यहाँ बेटा, जल्दी आ जी। यार काय मुसीबत बोल ले ली जानी बेटा, थोड़ी हाथ दबा बेटा, थोड़ी मालिक एक सेकंड, मालिक एक सेकंड, एक सेकंड। जल्दी कर यार जी मालिक, बस हो गया, लाइए मालिक, लाइए आराम से। यहीं पे मालिक पूरा था, यहाँ पे थोड़ा साइड में बेटे। हाँ आइए। वाह बेटे क्या बात है, नौकर हो तो तेरे जैसा, कितना दक्ष, कितना ईमानदार। आज हमें इस बात का एहसास हो गया कि नौकर से टिलुए की ही तरह नहीं होते, तेरे जैसे नेक और ईमानदार भी होते हैं मेरे बेटे। अरे धन्यवाद। टिल्लू भैया इतने भी बुरे ना आए थे। What? Are you mad, Mr. Vispy? ये क्या कह रहे हैं आप? अनीता जी, if you really want me to invest in your project, तो आप अपने इन servants को order दीजिए। Servants? Please, servants. Why please, Anita ji? They are your servants. Order them. Servants! सब्जी उठा के खाओ। चाचा जी चाट लीजिए। हमारी यही इज्जत रह गई है इस घर में। चाचा जी नॉर्मल बात करिए। मतलब मेरी यही इज्जत रह गई है इस घर में? अरे चाचा जी नाटक ही तो कर रहे हैं और क्या। तो तू कर लेना नाटक, तू खा ले। चाचा जी प्लीज, खजूरी चाची की कसम। किसकी कसम दिला दी? तो अनीता जी ये तो प्रूफ हो गया कि ये लोग आज्ञाकारी नहीं है। अरे हम हैं आज्ञाकारी, हम चाटेंगे ये कारे। हाँ रे। ठीक बा, तुम कैसे बा? हाँ ना ही कछु ना ही, बस थोड़ा मार्केट आए थे सब्जी बब्जी लेने। अच्छा सुनो, वो हम तुमको वो अपने नए मंगलसूत्र का फोटो भेजे रहे, तुम देखी कि नहीं? भाभी जी सुनो, बुरी तुमको कॉल करते हैं, कौन भैया जी आए हैं। हाँ भाई भाई भौजी, ये मंगलसूत्र का फोटो देखने से क्या फायदा होगा? एक काम करिए ना, डायरेक्ट हमको दे दीजिए, हम थर्ड पार्टी को दिखा के आपको वापस दे देंगे, है ना? दिया ही हमरे सुहाग का निशानी है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। भाभी ये निशानी हमको दे दे। नहीं। निशानी हमको दे दे भौजी। नहीं नहीं, अभी देगी ए... निकाल दिया। निकाल ई ई ई ई बा ई
पी लीजिए। ये हुआ ना बात, क्या बात। कौन है बे? तेरो अंकल। ये मंगलसूत्र भाभी जी को वापस दे दे। अच्छा, नहीं तो क्या कर लेगा? कसम खा के कह रहे हैं उन साले भूतनी के, तेरे गुर्दों की चटनी बना के रख देगा टिल्लू। अभी पता चल जाएगा कौन चटनी बनाएगा। सारे धी के लट, बासी बूंदी के लड्डू, तेरे लिए तो मैं अकेलो ही काफी हूँ। पता चल गया। तू तू क्या बोल रहा था? क्या क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? तेरी घर हाय जी, यू बीट देम। भाभी जी लीव देम, वो तो है ऐसे ही पकड़े हैं। पुलिस भागो, पुलिस। हाय दिया, का आप लोग का है आए बीच में? भाभी जी, सवाल आपके कंजूस सुहाग का था, इसलिए आपको बचाने के लिए बीच में तो आना ही था। का फायदा हुआ बीच में आने का? एक तो हुआ आप लोगों को कूट कर चला गया, और ऊपर से हमारा मंगलसूत्र भी ले गया नया का नया। अरे भाभी जी, हमारे होते हुए वो आपको मंगलसूत्र कैसे लेकर जा सकते? तो मैं और मेरे करोड़पति चाचा, जो बहुत जल्दी हमारे नाम वसीयत लिखने वाले हैं 20 करोड़ की, तुमने हम दोनों को नौकर बनाकर रख दिया। तो तुमने चाचा भतीजा को नौकर बनाकर रख दिया, और तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं है, कोई थैंक यू का एक्सप्रेशन नहीं है। मुझे नहीं पता ये थैंक यू का एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कम से कम तुम्हें मालूम है थैंक यू वर्ड क्या होता है। यू कैन ऑलवेज से थैंक यू वेरी मच। क्यों बोलूं मैं थैंक यू, क्यों बोलूं? ये सब जो मैं कर रही हूँ, मैं अकेले ऐश नहीं करूंगी, तुम भी मेरे साथ ऐश करोगे, मटर गश्ती करोगे। सर आप बताएंगे आप मुझे, मैं किस तरह की मटर गश्ती करूंगा और कौन सी अय्याशी करूंगा आपके पैसों से? मतलब अपना ब्रांड पीने के लिए मुझे आपके सामने छोली फैलानी पड़ती है, इसे कहते हैं घंटे की अय्याशी। ये जो तुम अच्छा अच्छा खाते हो, महंगी महंगी शर्ट्स पैंट्स वॉचेस पहनते हो, ये जो महंगे महंगे परफ्यूम लगा के सबको इम्प्रेस करते हो ना, कुल मिलाकर तुम एक लग्जूरियस लाइफ ही जीते हो। बी हैप्पी। अच्छा जी, घर के बर्तन मांजना लग्जरी है, घर के कपड़े धोना लग्जरी है, घर की साफ सफाई करना लग्जरी है, खाना बनाना लग्जरी है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपके पैर दबाना लग्जरी है। तो यस, आई एम लीडिंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। ऑफ कोर्स यू आर। I genuinely hate this. मैं डर गई। ये जो है ना अपनी सब अपने कहीं जाके अपने दोस्तों पे निकालो गुस्सा, मुझे परेशान मत करो। एनीवेज आई एम वेरी स्लीपी, सो दफा हो जाओ। सुन, बहू कहाँ है? लौंडों के लिए गिफ्ट लेने गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भारत देश में आज हमारी आखिरी नाइट हैगी, आप सब लोग और जा देश, हम तीनों के दिल में हमेशा रहेंगे। और आप चिंता ना करें, हमारा आपसे वादा है कि आपकी यादों की बत्ती बनाकर अपना कान खुजाते रहेंगे और आप सबको याद करते रहेंगे। क्यों भाई, है कि नहीं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे अरे अरे, बस धैर्य रखो, धैर्य। मां साहब एक मिनट, ठीक है काम कर ना। अपना है ना मोबाइल निकाल कर इनकी आवाज रिकॉर्ड कर ले, अमरीका में खूब सुनेंगे। हाँ, एक मिनट निकाल मोबाइल, जल्दी निकाल। ओह, डोंट हैव मोबाइल यार। ये ले, ये है मेरे पास, ये ले। ओह, We are ready. Yes. Yeah, yes. बोलो। One, two, three. तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चले जाओगे तुम मुफ्त में आके, मुझसे इलाज कौन करवाएगा? और हम जैसे बीहड़ को कौन झेलेगा? और हमें अगर गुस्सा आया तो हम किस पर निकालेंगे बेटे? बेटे हम किसके गुर्दों में उंगलियां करेंगे, बताओ मेरे बच्चे, बताओ। ना जा लौंडो, ना जा, हमें छोड़ के ना जा।
अच्छा मुझे ना बाहर जाके भूल मत जाना. यू हैव टू स्टे इन टच थ्री ऑफ यू. मैं तुम तीनों को ना शादी में बुलाऊंगी. अरे वाह. मेरी. अरे तब तक तो ये अपने बच्चों के मुंडन में तुझे बुला लेंगे. अरे कोई रोक लो यार, इन्हें रोक लो, अमेरिका जाने से रोक लो, वरना अमेरिका बिगड़ जाएगा. आज अमेरिका ऑलरेडी काफी बिगड़ा हुआ है. वैसे तो लंदन भी काफी बिगड़ा हुआ है. क्यों, लंदन ने तेरी अम्मा को छेड़ दिया था क्या? अम्मा को छेड़ने की कोशिश की ना, गुर्दों में बांस कर देगी आपके. माना क्या, वो बुढ़ा गई है लेकिन जवानी में किसकी हिम्मत नहीं थी हमारी अम्मा से आंख मिलाने की. पंडित रामपाल की भी नहीं जी. क्या कहा आपने? एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हैं आप? पंडित रामपाल को हमेशा बीच में काट देते हैं. रामपाल में जुमन लाल में कंफ्यूजन. अरे जुमन लाल का नाम मत लीजिएगा. छोड़िए, छोड़ो, तुम लोग क्या लड़ाई कर रहे हो आपस में? सच्ची जगह भी नहीं देखते हैं ये क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे थे आप लोग? सच्ची ना तो जगह देखते हैं ना मौका, बस जब देखो तब लड़ने लगते हैं. और ये भी ना ही सोच रहे हैं कि वो बेचारे लड़के जो हैं वो देसी मॉडर्न कॉलोनी सब छोड़कर जा रहे हैं. हाँ तो सही तो कर रहे हैं ये लोग. अंगूरी जी, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इसमें गलत क्या है? लेकिन अनीता जी, पूरा मॉडर्न कॉलोनी, हमारा घर, हमारा जीवन सब सूना हो जाएगा. अंगूरी जी, अगर ये लोग नहीं गए तो इनका भविष्य सूना सूना हो जाएगा ना. लेकिन हम है ना इनका ख्याल रखने के लिए. सिर्फ आपके और मेरे ख्याल रखने से कुछ नहीं होगा. क्या सब लोग ख्याल रखेंगे इनका? हाँ तो सब रखेंगे ना. हाँ लिसन एवरीवन, क्या आप लोग टीएमटी का ख्याल रखेंगे, इन्हें खाना पीना खिलाएंगे? उसमें भाई बनने के लिए रोना पड़ा, इमोशनल होना पड़ा, दो बार बगल की सेविंग की. सुन मेरे बेटे, तू एक काम करिए, 1500 और लेकर तू दफा हो यार, तू दफा हो, तू जा यहाँ से ले. 1500 नहीं सर, टोटल हुए हैं 75,000. अबे दिमाग फिर गया क्या तेरा? नौकरों को 75,000 रुपए देते फिरेंगे हम? सर मैं तो अपने काम के पैसे मांग रहा हूँ. अगर आप सीधी उंगली से नहीं देंगे तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना हमको आता है. भैया ये तो आपको गुड मॉर्निंग दे रहे हैं. वार्निंग दे रहा, वार्निंग. ऐसे ही पकड़ा. सेठ जी, अगर आपका हुक्म हो तो इस भुतने वाले को यहीं ढीला कर दूं. अबे तुम हमको यहाँ ढीला कर दोगे तो कभी तो बाहर निकलोगे हैं? तो गुर्दा फोड़ यूनियन के 1500 लोगों को कह के आया हूँ कि अगर मुझे जरा सी भी लेट हुई ना तो वो लोग यहाँ पर आकर मॉडल कॉलोनी में तोड़फोड़ शुरू कर देंगे. अब तुम डिसाइड कर लो बे. आप सेठ जी, अब आपने क्या डिसाइड किया, 75,000 कैश दोगे या इस भुतने वाले को चेक दोगे? दोनों में से कुछ भी नहीं. अगर कैश नहीं है तो ये सोफा लेके जाएंगे. हाय दिया, अरे क्योंकि भैया उसमें तो आप बहुत सारा काला धन छुपाए ना. काले धन के साथ सोफा ले जाएंगे.